हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ न्यू मेडिसिन, दैट इज टेरेंटुला एच। टेरेंटुला एच एक स्पाइडर ग्रुप की मेडिसिन है, ठीक है। टेरेंटुला जो है एक स्पाइडर ग्रुप की मेडिसिन है, जिसमें अगर हम एक पिक्चर बनाना चाहें तो इसमें यह है कि इसमें डांसिंग डिजायर बहुत ज़्यादा होती है, और इनको जो है फास्ट एक्सरसाइज की डिजायर होती है। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वेरी फास्ट करना चाहते हैं, इनको स्लो चीज़ें नहीं पसंद होती हैं। और इनको जो है म्यूजिक से एमुलेट होता है, म्यूजिक इनको अच्छी लगती है, ठीक है। अगली पॉइंट की अगर बात करें तो ये फॉक्सी पेशेंट होते हैं। फॉक्सी पेशेंट का मतलब ये है कि इसे कई बार क्या होता है, कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, ठीक है। जब क्लिनिक में आएंगे तो बैठे रहेंगे, डॉक्टर साहब को ये दिक्कत है, ढेर सारी दिक्कतें, और वो शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। एक्चुअल में वो होते नहीं हैं उतना, लेकिन वो शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और इसे पेट दर्द हो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब जो है उसको शो करेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है और आप उनको अच्छी से अच्छी मेडिसिन दें हैं, लेकिन एक्चुअल में उतनी दिक्कत इनको होती नहीं है। और जब वही पेशेंट जब आपके क्लिनिक से बाहर जाता है, ठीक है, जब वही पेशेंट आपके क्लिनिक से बाहर जाता है या फिर जब वो अकेले में होता है तो बिल्कुल रिलैक्स चिल ऐसा मतलब जो है कि वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉक्सी पेशेंट होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इसके बच्चे होते हैं टेरेंटुला का जो चाइल्ड एक्शन अगर देखें जो है इसका जो बच्चा होता है जैसे क्या होता है कि जब अपन बचपन में मतलब कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग भी होते हैं छोटे में कि वो हर सुबह जब स्कूल जाना होता है तब ढेर सारे बहाने शुरू कर देते हैं, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी हाथ पैर में दर्द हो रहा है, आज स्कूल नहीं जाएंगे, ये है वो है, ढेर सारे बहाने बना के जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब वही संडे का दिन आता है, संडे के दिन ये बिल्कुल टाइम पर उठेंगे, बिल्कुल एनर्जेटिक, बिल्कुल सब कुछ ठीक, ठीक है। तो संडे ये बिल्कुल जो है संडे को बिल्कुल ठीक रहेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। तो जो है संडे क्लाम बाकी दिन सुबह अगर मतलब बहाने बना रहे हैं बच्चे तो आप वहाँ पर एक बार टेरेंटुला के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर आप दो मेडिसिन है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, एक तो टेरेंटुला है और नेक्स्ट है अर्जेंटम। इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो टेरेंटुला का जो बच्चा होता है ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये तमाशा बनाता है, हमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, पेट दर्द हो रहा है या आज जाने का मन नहीं है, तो ये सारी बहाने बनाता है। जबकि अर्जेंटम का पेशेंट जो होता है उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों में थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ जाती है, एंटिसिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एंजाइटी बढ़ जाती है कई बच्चों में जो है, एंटिसिपेशन की प्रॉब्लम होती है कि सुबह स्कूल जाते समय उनको दिक्कतें बहुत सारी होती हैं, ठीक है, घबराहट बन जाती है, नर्वस हो जाते हैं बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा जो है नर्वसनेस फील करते हैं, ठीक है। और इनको दिक्कत इस बात का है कि इनको डेली स्कूल जाना पड़ता है, इसकी वजह से इनकी एंजाइटी एंटिसिपेशन आती रहती है। तो इस केस में भी आप इन दोनों मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगला अगर बच्चे के बिहार पे ही बात करें तो इसका जो बच्चा होता है ये थोड़ा सा जो है शैतान टाइप का होता है, ठीक है, शैतान टाइप बच्चे नहीं होते हैं, शरारती टाइप के, तो ये इस टाइप का होता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जब अपने पापा के साथ कहीं जा रहे होते हैं मार्केट वगैरह बाइक पे, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि आपको देख के लग जाएगा कि यार ये कहीं टेरेंटुला का पेशेंट तो नहीं है, ये कहीं टेरेंटुला का बच्चा तो नहीं है। जैसे क्या करते हैं, ये बाइक पर बैठे रहेंगे, बाइक पर बैठे बैठे जो है शूज़ खोल के गिरा देंगे। एक बार गिरा दिया, दो बार गिरा दिया, फिर पापा जब पूछेंगे बेटा ये क्या कर रहे हैं, बोलेंगे हम क्या करें, ये शूज़ जो है आपने जो दिलाया है ये लूज़ है, ठीक है। ये उसके पीछे एक्सक्यूज़ इतना शानदार देते हैं कि उनको लगता है कि मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ये खुद ही अपने से गिराते रहते हैं। तो इसके बारे में आप इसको सोच सकते हैं। और अगला जो इनका पॉइंट है वो हाइडिंग, ठीक है, हाइडिंग में
अगर इसको एक्सप्लेन करें जो है, तो चीज़ें इनका जो है मतलब क्या होता है कि चीज़ों को छुपाने की इनकी आदत होती है, ठीक है, इनके जो है चीज़ों को छुपाने की आदत होती है। जैसे मतलब घर में है मोबाइल है, ठीक है, उसको कहीं छुपा दिए, या टीवी रिमोट है उसको कहीं छुपा दिए, ठीक है, तो चीज़ें छुपा देते हैं, जब कोई ढूंढता है तो इनको मज़ा आता है, ठीक है, इनको लगता है कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये रेस्टलेस होते हैं। ये जो होता है बार बार, जैसे क्या होता है कोई बच्चा आपके पास बैठा है टेबल पे चेयर पे, तो वो टेबल को बार बार किक करते रहते हैं, ठीक है, कभी हाथ से किक कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको मना किए, ठीक है, तो वो फिर हाथ से नहीं करेंगे, हाथ से करना बंद करते हैं, फिर वो पैर से ठक ठक करते रहते हैं, ठीक है, फिर मना किए तो फिर वो बंद कर दिए, फिर अगर हाथ में बॉटल है, ठीक है, तो बॉटल से किक करते रहते हैं, ठीक है, तो इनमें रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो खाने पीने की चीज़ें, इनको क्या पसंद होता है, डिज़ायर, ठीक है, तो डिज़ायर में यह है कि इनको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद होती है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इनको सॉल्ट की डिज़ायर बहुत रहती है, ठीक है, साल्टी चीज़ें इनको ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। फिर नेक्स्ट बात करें तो इनको इनडाइजेस्टिबल थिंग की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। और फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो एक चिली पेशेंट होते हैं। और फीमेल के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा फीमेल रेमेडी है, ये फीमेल में एक हिस्टेरिकल पेशेंट होती है, इनमें हिस्टेरिकल पेशेंट होती हैं, मतलब अपनी चीज़ें अपनी समस्याओं को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताती हैं कि ऐसा हमको ये दिक्कत है, एक्चुअल में उतनी दिक्कतें होती नहीं हैं, ठीक। अगले पॉइंट की बात करें तो इसका जो बच्चा होता है वो हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, स्कूल में जाता है तो हर किसी को परेशान करता रहता है, घर में है तो भी हर किसी को परेशान करता रहता है, तो कई बार क्या होता है कि माँ बाप परेशान होकर जो है इसको हैंडल करने के लिए कोई मतलब किसी को हायर कर लेते हैं कि आप इनको संभालिए, तो कई बार क्या होता है कि उनको जो संभालने वाला आता है वो खुद ही इनके एक्टिविटी से इतना थक जाता है कि वो खुद को सरेंडर कर देते हैं कि हम नहीं संभाल पाएंगे। ये इनमें एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है, इनमें ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ठीक। और इनमें एक जो चीज़ होती है कि ये मतलब बहुत शांत टाइप के बच्चे होते हैं, ये शांत तभी तक रहते हैं जब तक इनकी कोई बाउंड्री को क्रॉस ना करें। बाउंड्री मतलब क्या होता है कि ये बच्चे हैं कहीं जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, इनको अगर कोई नहीं टोक रहा है तब तो ठीक है, अगर कोई रोक रहा है तब ये वहाँ पे एंग्री हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं, ठीक, तो उस टाइम में ये जो है एब्यूसिव भी हो सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।